धन्यवाद, कृपया विराजमान हो जाइए। शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। प्लीज अर्शद जी, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों? वो इसलिए, उसका कारण ये है कि आज हमारे शो पे जो हस्ती आ रही हैं, इनका मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान फैन है। ये वो खूबसूरत सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक से एक बढ़ के सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम, दाग, चुपके चुपके और न जाने कितनी ऐसी ढेर सारी खूबसूरत फिल्में। और ये 60 से लेके आज तक लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं। अगर किसी को सपनों में रानी आती हो ना, तो आई एम श्योर कि वो इन्हीं की तरह दिखती होगी। अब मैं नाम क्या लूं, हम बहुत छोटे हैं उनका नाम लेने के लिए भी। आप देख सकती हैं, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। देखिए मैम, आपका इंतजार किस बेसब्री से हो रहा था, और पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे सामने खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आप, यू आर वन ऑफ अस, यू आर एन एक्टर। ओह थैंक यू मैम, वेलकम टू आवर फ्रेटरनिटी। थैंक यू। आज शर्मिला मैम को देख के ना, इनकी तमाम फिल्में आंखों के आगे घूमने लग गई मेरी। और वो आइकॉनिक गाना जो अभी गा रहा था, मतलब आज भी मैम, हम कभी गाड़ी में जाए ना और पास से कोई रेलगाड़ी गुजरे तो हमें आप दिखाई देने लगती हैं। किताब पढ़ते हुए? हाँ, किताब पढ़ते हुए। और राजेश खन्ना साहब, वो तो शुक्र है उनके साथ सुजीत जी गाड़ी चला रहे थे। वो खुद चला रहे होते तो आपके चक्कर में गाड़ी ठोक देते वो, मतलब ये। और शर्मिला मैम पहली हीरोइन है जिनका डिंपल इतना फेमस हुआ। मुझे तो अर्चना ये भी कह रही थी, पूछना मैम से कि आप एक्टिंग के साथ डिंपल का अलग से चार्ज करती थी आप? डोंट बिलीव अ वर्ड ही सेड। यू एंड आई विल स्टिक टुगेदर। यस, देखा कपिल, वुमन पावर। एब्सोल्युटली मैम, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान, जोरदार तालियां मैम के लिए। चाहे मैंने मजाक में बोला, लेकिन ये सच है कि मैम की खूबसूरती के, मैम की कलाकारी के लोग इतने दीवाने हैं। मैंने तो यहाँ तक भी एक अफवाह सुनी है, पता नहीं सच है, कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को इनका डिंपल इतना पसंद था कि उन्होंने शादी भी डिंपल से की। इसी चक्कर में, मतलब टू गुड। मैम आपके घर से तकरीबन सब हमारे शो पे आ चुके हैं, सैफ सर, करीना, सोहा आई हैं, कुणाल आए हैं, आपके समधी रणधीर कपूर साहब भी आ गए। उन्होंने आपको जाके बताया नहीं कि एक शो ऐसा है जहाँ पे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप अपनी फिल्म आने का इंतजार कर रही थी या जुगाटो के आने का इंतजार कर रही थी? परफेक्ट टाइमिंग, टाइमिंग तो सही है ना? बहुत बहुत मैम, वी एक्टर्स बिलीव इन टाइमिंग, तो इसीलिए अभी सही टाइम पे आए। बिल्कुल ठीक है ना, करेक्ट। अच्छा शर्मिला मैम खुद तो सुपरस्टार रही हैं, इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके साथ जोड़ी भी इनकी सुपरहिट रही है। चाहे आप देख लो राजेश खन्ना साहब हों, चाहे शमी कपूर जी हों, चाहे शशि कपूर जी हों, धर्म जी हों, लेकिन जब शादी की टाइम आया तो इन्होंने नवाब पटौदी साहब के साथ शादी की। तो जब आपकी शादी हुई मैम, तो आपके को स्टार्स ने फोन नहीं किया कि अगर आपको क्रिकेट इतना ही पसंद था तो हमें बता देती, हम भी क्रिकेट खेलते? शमी कपूर वाज ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश थे उस वक्त। जी जी मैम, अगर आप हिस्ट्री बदलना चाहे तो अलग। नहीं नहीं, पर मैं बोलता हूँ कि आपने, आपकी जोड़ी जो होती है, मतलब वो तो हाँ सुपरस्टार थे उस वक्त। एक वो था ना, दौर था कि शम्मी कपूर जी के साथ कोई न्यू कमर काम करे तो सीधा यू नो यू बिकम अ वाओ। सो इसीलिए तो कश्मीर की कली एंड एन आई। क्या बात थी मैम, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। अच्छा कश्मीर की कली, अगर आपको वो गाना याद है ना, जब शमी साहब गाना गा रहे हैं शर्मिला मैम के लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ, जब तारीफ कर, बोलते तो एकदम से बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं। तो वो डायरेक्टर ने बोला था कि आपको देख के फिसल गए थे वो? शमी जी के साथ काम करना इतना मुश्किल था क्योंकि, और आई वॉज अ न्यू कमर है ना जी, तो रिहर्सल में कुछ करते थे और एक्चुअल टेक में कुछ और करते थे। तो कभी यहाँ से आ जाते थे, कभी वहाँ से आ जाते, कभी ऊपर से आ जाते। अनप्रेडिक्टेबल थे वो। बिल्कुल, देयर वाज नो डायरेक्शन जो आपको कूदना है। उसको छोड़िए, आपको इवनिंग इन पेरिस का याद है ना, जब वो हेलीकॉप्टर से लटक आसमान से आया फरिश्ता, तो आई वॉज डूइंग दैट वाटर स्कीइंग और वो हेलीकॉप्टर में थे और बिल्कुल यू नो एज में लोग के काफी थाइज वगैरह दिखा रहे थे, यू नो इट वाज आल्सो वेरी सेक्सी। सो एंड देन द हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे उसे मुश्किल था ना, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वाज गोइंग लाइक दिस, और बीच में कोई रिहर्सल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, सडनली ही जंप्ड ऑन द बोट। बाप रे, दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। अच्छा जी। ओह माय, आपने जब मुझे कहा एंटर करो और क्यू में, तो मैं तो ठीक से आई ना। हाँ, मैं तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया।
तो शम्मी जी वाज लाइक दैट. शम्मी जी को डेंजरस शर्मिला जी. जी मतलब हेलीकॉप्टर से बोट पर कूदना स्टंटमैन के लिए डिफिकल्ट होता है. आप देखिए तो शम्मी जी ने और बिना रिहर्सल के. पर बहुत लोग हैं अर्चना जो मेहनत करके जैसे मतलब कमाते हैं ऐसा. सबकी किस्मत में नहीं होता सामने बड़ी सी कुर्सी लगा के बैठ जाओ. शर्मिला जी को बैकग्राउंड देती हूँ. शर्मिला जी ये मेरे ऊपर सार्केस्टिक कमेंट कर रहा है. ओह अच्छा सॉरी आई टेक बैक माय स्टेप. वापस आ जाओ. आई डिडंट रियलाइज शी इज माय ओल्ड फ्रेंड. यस हम साथ काम कर चुके हैं तो आप जरा प्लीज ऐसा मेरे सामने तो मत. जो इनकी जगह पहले बैठते थे वो भी मेरे बड़े ओल्ड फ्रेंड थे. आपको तो पता ही होना चाहिए वो नवाब पटौदी साहब के भी फैन थे हमारे सिद्धू जी. तो देखिए आप अब आप किस तरफ जाना पसंद करेंगी. नहीं सिद्धू जी तो मुझे भी बहुत पसंद है. मैम जब आपने नवाब साहब के साथ आप मिली आप पहले क्रिकेट की फैन थी या नवाब साहब की फैन थी पहले. ये मुश्किल है मगर मैं क्रिकेट की फैन थी. अच्छा जी. क्योंकि माय पेरेंट्स वर आल्सो मैड अबाउट क्रिकेट और कोलकाता में हम लोग जरा क्रेजी है यू नो स्पोर्ट्स के लिए. तो क्रिकेट फैंस थे मगर क्रिकेटर्स के भी फैन थे. क्योंकि उस उम्र में हम भी थोड़ा सा क्यू में खड़े होके सब क्रिकेटर्स को चीयर करते थे. एक्चुअली आई वॉज अ जयसीमा फैन. अच्छा. तो बस अचानक मुलाकात हो गई नवाब साहब से. मतलब पहली नजर में प्यार हो गया होगा आपको देख के. तो बिल्कुल नहीं बिकॉज ही वॉज अभी इंग्लैंड से आए हुए थे तो वो अंग्रेजी में क्या बोलते थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. बिकॉज ये सिर्फ अंग्रेजी एक्सेंट नहीं हो ब्रिटिश एक्सेंट थे. अच्छा जी. और उनका जो जोक्स थे ना जो ह्यूमर थे वो बिल्कुल अलग थे. तो वो खुद के जोक में खुद ही हंसते थे क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता. आई थिंक माई चिल्ड्रेन विल किल मी व्हेन दे हियर दिस. ये सब क्या हो रहा है बाकी हमारे पे क्या बोल रहे हो तुम कपिल शर्मा के शो में. सो नॉट इट वॉज नॉट लव एट फर्स्ट साइट बट इट वॉज लव. And I don't know, I just felt that he will never hurt me intentionally. So sweet. And I felt I could trust him. Anna? So that was the basis. Isn't that the most important thing? Sharmila ji, how did Patodi ji propose to you? Aapko propose kaise kiya unhone? We were in Paris, you know, on the Bastille Day. Jis waqt wo pure shahar रास्ते में उतर आते हैं क्योंकि दे सेलिब्रेटेड यू नो देयर इंडिपेंडेंस और सब कोई पी के और खुश हो के वहाँ पे जो फाउंटेन्स होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं. इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन द रोड. तो वहाँ पे ही सडनली यू नो जैसे नील करते हैं ना वो फिल्मों में जैसे करते हैं नेल्ट ऑन द thing and he said will you marry me. I said kya bol rahe ho sunai nahi de raha. Because there was so much sound. Yes. Then he said will you marry me loudly. I said yes I will. Achha aisa hua tha. Mam jaise Indian shaadiyon mein hota hai na ki jo dulhan ki behne hoti hain wo dulhe ke jija ke joote churati hain. तो ये अर्चना जी का ये सवाल था कि आपकी बहनों ने उनके जूते चुराए थे कि बैट चुराया था उनका. बैट किस लिए? वो बैट लेके थोड़ी आए थे मुझे शादी करने के लिए. नहीं मगर यू नो इट वाज गोइंग ऑन सो वेल शादी. इट वाज वेरी नाइस एवरीबॉडी वाज हैप्पी. एंड माय सिस्टर आई हैव गॉट टू सिस्टर्स. माय youngest sister is 18 years younger than I. Okay. So when I got married, वो 5 साल की थी उस वक्त. तो बाकी सब खुश थे तो हम जब जा रहे थे तो वो रोने लगी. तो नोशी कुछ नहीं चुराया बेचारी मुझे मतलब जाने नहीं दे रही थी. अच्छा. जिसको क्यों चुरा के ले जा रहे हो मेरे पास रहने दो. ये प्रथा नहीं है हमारे यहाँ कुछ. बंगाली वी डोंट चुराओ एनीथिंग. अच्छा. बस दिल चुरा लिया आपने नवाब साहब का. हाँ तो ठीक है वो. हाँ वो क्या. देख लो हर एक की कहानी आलना क्या. देख लो जैसे मैम ने बताया कि छोटी बहन जो बिल्कुल छोटी थी रोने लगी. देखो जब इनकी शादी हुई परमीत सर रो रहे थे. सबका अपना अपना है. देखो Why are you laughing? शर्मिला जी आई हेट टू से इट पर जब ये बदमाश को जोक मारता है ना चाहे मेरे पर हो चाहे किसी मुझे हंसी आ ही जाती है.
इसलिए तो रखता है यहाँ पर मुझे। It's so nicely, ना, because there's no, you know. और यहाँ पर धंधा भी ऐसे ही चलता है। मैं हंसना बंद कर दूंगी ये फिर एक क्रिकेटर्स को ले आएगा। हाँ ये भी है, दिमाग से काम लेना चाहिए बिल्कुल। तो मैम जब शम्मी जी के साथ आपने कश्मीर की कली साइन की वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? वो एक बंगाली कनेक्शन, क्योंकि सचिन भौमिक जो लिख रहे थे जी, तो ही वाज अ बंगाली। अच्छा जी। एंड मेरा माता जी के साथ उनका एक फ्रेंडशिप था, तो एंड शक्ति जी वाज आल्सो बंगाली। अच्छा जी। और फिर उन्होंने अपूर संसार देख चुके जी। थे शम्मी जी उस वक्त ऑल न्यू हीरोइंस के साथ काम कर रहे थे। अच्छा जी। तो शक्ति जी थॉट दैट इट बी अ वेरी नाइस आइडिया दैट I'll get this girl and एक pair, मतलब ऐसे ही हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी मैम, और आपका काम भी क्या है। गाने कितने खूबसूरत थे, गाने कितने खूबसूरत थे, गाने बहुत खूबसूरत थे। I was very nervous, you know, the first day वो दाल लेक में शूटिंग हुई तो दीवाना हुआ बादल जी। वो लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एंड ओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे, तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है। तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट, जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू हैव गिवन अ गुड शॉट। एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का, बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी। आज शर्मिला मैम से हम और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे। अब वक्त है एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ पे इन्वाइट करने का, जिनके हम सब फैन हैं और वो भी आगे इनके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मनोज बाजपेयी साहब। मनोज भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं एकदम दूल्हे लग रहे हो आप आज। अच्छा मनोज सर की जो फिल्म आई गुलमोहर, अच्छा देखो मैम आपको देख के हम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, हमने गुलमोहर की अभी तक बात ही नहीं शुरू की एक्चुअली। और मैम आपको पता है मनोज भैया फिल्म को लेकर तो एक्साइटेड थे ही, मेरी जब बात हुई तो बोलते यार शर्मिला जी 12 साल बाद शायद आप वापस फिल्में करना शुरू किया है, तो बोलते हैं हमें उनको सेलिब्रेट करना है और तुम फिल्म देखने जरूर आना। मैं वहीं समझ गया था मनोज भैया आपका कॉन्फिडेंस देख के, मैं कहा फिल्म बड़ी कमाल की बनी है। मैं फिल्म देखने गया और वाकई में इतनी खूबसूरत फिल्म कि आप उसमें आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस फिल्म के साथ, और आपका किरदार मैम और मनोज भैया का और बाकी सब किरदार मतलब एक-एक और ब्यूटीफुल फिल्म है सर। बहुत मुबारक। इनके बारे में मुझे किसी ने बताया, इनके बगल में एक महिला बैठी हुई थी तो मुझे वो बता रही थी कि कपिल की आंखों से आंसू आ रहे थे। बहुत ही कि कपिल मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरी माँ का इतना फेवरेट है कि मेरा मन कर रहा था कि उसको जो है टिश्यू पेपर दे दो। बहुत ही बढ़िया मनोज भैया, मनोज भैया आप जब फिल्में देखते थे शर्मिला जी की, आपने कभी सोचा था एक दिन आप इनके साथ फिल्म करेंगे? मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, और जो शर्मिला जी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। अच्छा। हमने शुरुआत किया जब फिल्म की शूटिंग से पहले हम लोग मिले, हमने निर्णय लिया कि अच्छा शर्मिला जी तो अब घर चली जाएंगी, रीडिंग हो चुका है, अब हम लोग वर्कशॉप करेंगे। अच्छा। तो वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा था लेकिन शर्मिला जी ने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी वर्कशॉप में, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं बैठूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे बैठे हुए इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था वर्कशॉप में सारी एक्सरसाइजेस में। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वाओ। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो क्यों नहीं सीखूं? बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्टर्स जो सीनियर्स होते हैं जो जल्दी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो अब इतने सीनियर हैं या थोड़ी सी वो लोग घबराते हैं कि जो बाद के नए लोग हैं उनके साथ में ना अपने आप को इतना खोलना आसान नहीं है। Right. बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। जब भी हम लोग वहाँ शूटिंग करते थे अर्चना, तो जब ये वहाँ पे होती थी तो सब लोग जो है जी जी शमिला जी जी शमिला जी जी शमिला जी सब करते थे। जैसे ही इनका पैकअप होता था पीछे से मेरा डायरेक्टर आके कहता था चाचा। मेरे सामने भी तो कह सकते ना, मुझे भी अच्छा लगता। हाँ, मतलब वो नर्वस हो जाते हैं। तो मुझे सब अलग कर देते जब पार्टी करते, तो I was not invited. शर्मिला जी यहाँ तो वर्कशॉप हो रही थी ना, दिस इज अ न्यू चलन है ना जी। आपके टाइम में नहीं होता था। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी फिल्म में पहली बार आप सेट पर गई हो और हीरो मिले हो और आपको वहीं पर कोई रोमांटिक सीन मिलते साथ ही करना पड़ा हो? यू नो जो कैमरा के सामने, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर और
करना पड़ता है तो नेचुरली दैट्स आवर जॉब नो सो वी डू इट. एंड उस वक्त हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होते थे. ये लोग तो वेरी लकी है, सब कुछ इनके पास है. उस वक्त तो सेट में डायलॉग लिखा जाता था, मगर फिर भी कुछ तो आइडिया था ना सीन में, जाज रोमांटिक सीन है. तो ओनली थिंग वी यूज टू होप फॉर दैट ही हैड अ बेटर लंच, यू नो, सो दैट नो ऑनियंस. आई डिडंट से इट, यू सेड इट. पर एक्चुअली आपने सवाल बड़ा सही पूछा मैम. क्या? मैंने बहुत ही कम फिल्में की, मैंने दो तीन ही की हैं. तो अभी जो नंदिता जी के साथ फिल्म की ना, तो मेरा पहला दिन उन्होंने सीन रख दिया शाहना के साथ, थोड़ा रोमांस हमारा थोड़ा गरीबों वाला था टाइप जो होता ना. तो वैसा टाइप था. अब पहले दिन मतलब यार सडनली किसी की बहू बेटी को आप गले लग जाओ, मतलब आप है ना, एक आप जान पहचान तो होनी चाहिए. तो मैं बड़ा घबराया था उस समय. पर हाँ फिर दोस्ती हो गई, फिर जब दोस्ती हुई उसके बाद कोई रोमांटिक सीन ही नहीं. एक फिल्म में रोमांटिक सीन गाना वाना होना था, तो मैं लंच के बाद, तो मैं लंच खा रही थी, तो जो हीरो आया थोड़ा वेट करना, तो ही जस्ट एंटर्ड द रूम एंड ही सेड क्या खा रहे सर, तू प्याज खा रही है? मैंने कहा खाने में क्यों नहीं खाऊं? तो कह रहा मैंने नहीं खाया ये सोचकर कि हमारा रोमांटिक गाना होने वाला है और यहाँ पर हीरोइन जो है वो खा रही है प्याज. पर ये तो आपका बड़प्पन है, आप हीरो नहीं तो आप हीरो भी आ सकती थी. मतलब मनोज भैया, एक मैम का, राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म का कि पुष्पा आई हेट टीयर्स. एक बार मैम की तरफ देख के अगर आप अपने अंदाज में बोल दे मजा आ जाए. हे भगवान, ये दिन ये, दिखा. हाँ, ये तो कपिल क्या रिक्वेस्ट करता है. मतलब बहुत सालों से मैं इतना नर्वस नहीं हुआ. मैं कोशिश करती हूं. ओके हो जाए मनोज. कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूं. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते. पुष्पा, I hate tears. अब ये, what sort of audience reaction is this? He's saying I hate tears and audience is clapping. बिल्कुल फेल हो गया. नहीं जी, बिल्कुल मैं फेल हो गया. बिल्कुल फेल हो गया मैं. कोई और हमारे भाई बंधु, किसी को लगता है ऐसा कि वो शर्मिला जी की तरफ देख के डायलॉग बड़ा फील के साथ बोल सकते हैं? जी जी, माइक दे दीजिए भाई साहब को. मैं ऑलरेडी सॉरी बोलना चाहता हूँ. माफ करना मुझे पुष्पा. आई हेट टीयर्स. प्लीज डोंट क्राई. आई विल नेवर क्राई. आई विल नेवर क्राई. पहले ऑलरेडी सॉरी बोल दिया तो वो लगा कि जैसे पुष्पा भूख लगी है, नाश्ता है. मैम, कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं कि पूछना कि आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया उनके बारे में कुछ सवाल हैं कि कौन सा एक्टर था जो डांस में बहुत अच्छे थे? उस वक्त कौन डांस करता था अच्छा? राजेश खन्ना जी तो बिल्कुल नहीं थे. शम्मी कपूर जी. शम्मी कपूर डांस तो नहीं, मगर रिदम, तो मस्ती इतनी करते थे. रिदम का बहुत, उस वक्त तो एक एक मुखड़ा उनके ऊपर पिक्चराइज, एक एक मुखड़ा वन टेक पे. ही वाज वेरी गुड विद रिदम, वेरी गुड. मैम, जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ, जैसे धर्मपाल जी ने एक बार मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हम उन पे इतना भरोसा था सबका कि उनसे कभी कहानी नहीं सुनते थे. तो चुपके चुपके का किस्सा सुना रहे थे आपकी फिल्म का. तो बोलते मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन लो. तो कहते मैं पहन के घूम रहा, तो मैंने असरानी साहब घूमते देखे, तो मैंने और तो कुछ पूछा नहीं. कहते मैंने जाके यही बोला ऋषिदा से कि कहीं मैं इनका ड्राइवर तो नहीं बन रहा. अच्छा मैम, वो कौन से एक्टर थे जो डांस से बचते थे, भागते थे कि मेरे डांस ना करना पड़ जाए? हरी भाई. डेफिनेटली. ऐसा कौन से आपके कोस्टार थे जिनको डायलॉग जल्दी याद ही नहीं होते थे? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ. ये अभी वो तो कहानी सुना दिया सबको, मगर ये नहीं बता सकती. ओके. रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा शर्माता कौन था मैम? कोई नहीं शर्माता था. Girl has to Sharma. सबसे ज्यादा स्टाइलिश एक्टर को स्टार आपका कौन सा था? शशि कपूर.
Shashi ji. Shashi ji. He was so well dressed. Yeah, well dressed. FK was also very stylish. Yes, huh? Yes. Yeah. You're right. One of the most stylish. Yeah, I think I can change. So I was thinking, as Firoz Khan is one of Firoz the most. Firoz Khan was definitely yeah. very the most stylish. Stylish. She was a friend also. अच्छा राजेश खन्ना साहब ने जब मैम के साथ आराधना फिल्म की इतनी सुपर डुपर हिट हुई उसके बाद अमर प्रेम आई मैम हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि अमर प्रेम जो लोग देख के निकलते थे वो वापस से टिकट लेके फिर घुस जाते थे मतलब इतनी सुपर डुपर हिट लोग पागल थे आपकी जोड़ी को देखने के लिए आपको कोई किस्सा याद है उस समय का मैम अमर प्रेम का अमर प्रेम में यू नो जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में अच्छा जी चिंगारी कोई भर के तो इट वाज सच अ लवली सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल अब आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया अच्छा था जी. मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लिए अच्छा मतलब लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा अच्छा तो कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट थिंग और फिर हमें चल के जाना पड़ता था फिर वो गाना गाते थे हम लोग बहुत रोमांटिकली और वो जो एक पानी अगर रख दो एक अजीब सा बदबू द स्मेल वाज लाइक दैट तो But despite how lovely we look and how beautifully we sing that song, बहुत iconic. That song is iconic. Iconic. तो अभी आप लोग किसी को बताइएगा मत जो भी आप अच्छा ये तो आप पूरे आम कह दिया सबको. Oh, okay. Oh God. So बस. So all the illusion now will go. ये कमाल है ना चिंगारी. कोई भड़के पीपल विल लेके आओ मैम एक और चीज बड़ी खूबसूरत होती थी आपकी फिल्मों में जूड़े इतने फैंसी होते थे ना ऊपर से फूल लगा लेना है ना कभी किसी कभी यहाँ पे भी होते थे इधर भी होते थे ऊपर भी इतना कभी किसी एक्टर हैं कभी किसी एक्टर ने नहीं कहा कि थोड़ा जूड़ा नीचे कर लो मैं भी आपके बराबर का दिखूं सबने कहा डायरेक्टर्स तो ऋषिकेश मुखर्जी केम टू मी एंड से देखिए अनुपमा के जो आप जो किरदार निभा रहे हैं वो एक नेग्लेक्टेड गर्ल है ना गर्ल है और तो आप प्लीज आपको हम बहुत अच्छा से एक बैकलाइट देंगे आपका फेस बहुत खूबसूरत है आप प्लीज ये जो कर रहे हैं ना बाल ये मत करिए क्योंकि आपके पास अरे आई मस्ट हैव बीन वेरी पिक्यूलियर यू नो I didn't listen to Hrishikesh Mukherjee. क्या सोच रही थी मैं? अच्छा वो मैंने निकाल सकते थे जैसे भाई आप माफ कीजिएगा आप जाइए घर जाइए अपना बाल बनाइए मुझे मगर चलो और उस वक्त वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थे और इतिश जैसे वो सर काट देते हैं ना हमारे गुलमोहर में काफी शॉट में हमारा सर तो आई थिंक दे मैनेज द फ्रेम इन सच अ वे दैट द बुफोन वाज आउट ऑफ द फ्रेम बताने वाला था कि शर्मिला मैम आ रही हैं बाहर मत आना मैं भूल गया सॉरी मैम आप इसे इग्नोर कीजिए मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ माइसेल्फ बिंदु इनकी प्राउड वाइफ प्राउड वाइफ ये बोला तो नहीं जा रहा तुमसे कोई शर्मिला जी ये धक्का हुआ है शादी नहीं हुई ये समंदर में स्विमिंग करते करते डूब गई थी तो मैंने हाथ दिया बचाने के लिए इसने अंगूठी डाल दी फंस गया मैं मनोज हमारी प्रॉपर शादी हुई थी ये 200 लोगों की बारात लेके आया था ये आदमी 200 लोग अच्छा मैं 200 लोगों की बारात लेके गया इसके पिता ही ने देखा 200 बंदे आ गए मैरिज पैलेस वालों का था आ गए मेरे लोग अब बता पैसे लेगा वैसे एक सेकंड तुमने कल बोला था तुम मुझे इस साल बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट करोगे तो वो हम कब करेंगे क्योंकि ट्रेन और बस से मैं और ट्रैवल नहीं कर सकती प्लीज बस और ट्रेन में नहीं जाओगी तो अगरबत्तियां कहां बेचोगी फिर दादर एक्सप्रेस का टाइम हो गया फटाफट मुझे बात करने दो यार मैम एक आपके थे प्रोफेसर त्रिपाठी फूल पत्ती के प्रोफेसर कितने रोमांटिक थे और एक ये है मेरा हस्बैंड रोमांटिक का तो आर नहीं है इसके अंदर
मनोज सर कॉलेज के दिन अच्छे थे तब ये मेरे पीछे पीछे भागता था बस। मैं मनोज भैया एक बार पीछे गया था, वो भी सब लोग कह रहे थे कि कॉलेज में एक लड़की आई है नटवर लाल जैसी दिखती, तो मैं कहा मैं भी देख के आऊं तो मैं इसलिए गया था। व्हाट नॉनसेंस। किसको बुलाया तुमने? हाँ वो कॉलेज के प्ले में एक रोल किया था बस। हाँ रोल, गई तो ऑडिशन देने थी हीरोइन का, उन्होंने कहा कि आप मूछ लगा के और अच्छी लगेंगी। मनोज सर आप बताओ, एक सेकंड बहुत हो गया। देख बिंदु तू इतने भारी झुमके पहनती ना, इसी की वजह से तेरा मुंह गिरेगा नीचे किस दिन। इतना क्यों, इतना छोटा सा मुंह, इतने बड़े बड़े। पकड़ लो ना, 10 साल से संभाल रही ना तुम्हें, तो तुम नहीं पकड़ सकते। मनोज भैया लेकिन अगर आप टैलेंट देखो इसका, आपको पता कमर में मेंदू वड़ा डाल के स्विमिंग कर लेती है ये। अरे मम्मी, अरे बिंदु तू यहाँ खड़ी है, अंदर देख तेरे पापा के पेट में दर्द हो रहा है, ये लिया भाग के बेटा। ये क्या है? 5 किलो जलेबी। हाँ वो खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाने को मिला ना, तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। शर्मिला टैगोर जी, कोटिश नमन चरण वंदन मैम जी, खुश हो गया, प्रणाम। मेरा भीखू आया है। मनोज जी जानती हूँ, मनोज जी जानती हूँ। अरे ये वही तो है जिन्होंने मेरे लिए गाना गाया था, वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, किस्मत अच्छी होती तो आज मैं मंजू वाजपेयी होती। एक समय था जब मैं स्कूल से भाग भाग के इनके प्ले देखने जाती थी। और आज एक समय है ये मेरा नाटक देखने आए हैं। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। क्या क्या इसे कहते हैं? मम्मी मम्मी मम्मी, ये क्या 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 कर रही हो तुम? ये क्या है? उधार उधार उधार, मैंने मैंने इनसे उधार लिया था, शायद इसलिए आए हैं। ये कैसा इशारा हुआ उधार का? ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये हाथ कह रहा है उधार कब देगी, ये कह रहा दे दूंगी जब आएगा, तो इसमें टेंशन की क्या बात है। तो फिर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, दोनों में बहस हो गई। बस इतनी सी बात है बिंदु, तू भी ना देख रहे हैं भीकू जी। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मनोज जी से पहली मुलाकात मेरी ट्रेन में हुई थी। अच्छा? हाँ मेरा भुट्टा खाने का मन था, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए थे। 50 रुपए का भुट्टा? अरे भुट्टा तो 15 का ही था, लेकिन अगले स्टेशन पे मुझे पूरी सब्जी खानी थी ना। तो अच्छा नहीं लगता ना किसी अजनबी से हर स्टेशन पे 15-15 रुपए मांगते रहो। मम्मी तुम्हें शर्म नहीं आती? लाइक बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बेटी सामने खड़ी है, तुम क्या बोली जा रही हो तब से? अरे तो बेटी को शर्म नहीं आ रही, जब मम्मी ऐसी बात करी तो कहीं और देख ले, कहीं और चली जाए। So good. मैं समझ गई, तू मेरी बातों को ना झूठ मूठ की समझ रही है। एक मिनट मैं तुझे निशानी दिखाती हूँ। ये देख मनोज जी, ये वही चप्पल है जो होटल में आप भूल गए थे। ये पंकज त्रिपाठी जी लेके गए थे? अरे पिछली बार आए थे ना, तो पंकज त्रिपाठी से मैंने चुरा ली थी। चलिए ना मनोज जी, एक एक पांव में एक एक चप्पल पहन के कहीं घूमने चलते हैं। सासू माँ थोड़ी शर्म करिए, 9-9 बच्चे हैं आपके। दामाद जी शर्म की होती तो हमारा एक बच्चा भी ना होता। है ना, है ना, है ना। और वैसे मैं बता दूं कि मेरे तो सिर्फ 8 ही बच्चे हैं, ये तो मेरी सौतेली बेटी है। क्या क्या बोल रही हो तुम मम्मी? हाँ बिंदु हाँ, ये सच है, हम तेरे माँ बाप नहीं है बिंदु, तेरे माँ बाप ने पैदा करके तुझे सीढ़ियों पे डाल दिया था। वो तो शुक्र कर 25 साल से हम भी मंदिर की सीढ़ियों पे सड़ रहे थे, जैसे ही हमने तुझे गोद में उठाया लोगों ने 5-5 के चिल्लर फेंकने शुरू कर दिए। हाँ बिंदु, और तब मुझे लगा यही वो बच्ची है जो आगे चल के हमारा पालन पोषण करेगी। तो मैं सौतेली हूँ ना,
थैंक गॉड. एक काम करो, सामान पैक करो और प्लीज चले जाओ अपने घर वापस, है ना. मजाक 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 कर रही थी. मैं मजाक इसलिए कर रही थी कि हमारे प्यारे गैस मुझ पे तरस खा ले और मुझे खाने को एक चीकू दे दें. बहुत दिन हो गए मैंने फ्रूट नहीं खाए, सॉरी. बहुत दिन से मैंने फ्रूट भी नहीं खाया. इतने बड़े लोग आए, तुम चीकू मांग रही हो? तो रुको मैं कुछ और मांग लेती हूँ. शर्मिला जी अपने पड़ोसी पैलेस में मुझे एक कमरा दे दो. नहीं नहीं मम्मी, इसीलिए ना, मैं इसीलिए तुम्हें मेहमानों से नहीं मिलवाती. तुम मेहमानों से नहीं मिलवाती, ये बड़ी कपिल शर्मा हो रही है. मेहमानों से नहीं मिलवाती. चलो अंदर चलो और बेइज्जती नहीं करवानी, अंदर चलो. अरे प्यार की निशानी तो ले लूं. मैम जैसे आपके साथ हर कोई काम करना चाह रहा था जब आप आई फिल्मों में, आपका कोई फेवरेट एक्टर था जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? सबके साथ, यू नो, लाइक आई लाइक शशि कपूर बिकॉज ही वॉज ग्रेट फन टू वर्क विद. धर्म जी एंड आई शेयर अ बर्थडे, नॉट द सेम ईयर बट सेम डेट, बट ही वॉज ऑल्सो, यू नो, दिल का, यू नो, ही वॉज जस्ट सच अ लवली लवली पर्सन, यू नो. इतने सारे जोक सुनाते थे कि एंड दे वर सच बैड, मतलब वेरी डर्टी जोक्स. बहुत मजा आता था उनके साथ, बहुत मजा आता था. अगर फेवरेट कहो तो हरी भाई, संजीव कुमार, संजीव कुमार साहब, ही वॉज वेरी गुड. और सुबह उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो द मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन फरार एंड द इवनिंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन मौसम. तो जिस दिन मौसम का वो जो मेरा जो शॉट एज अ सेक्स वर्कर वो था, तो आई वॉज, दैट वॉज माई फर्स्ट डे एंड आई वॉज वेरी कीड अप, वेरी एक्साइटेड. और 2 to 10 का शिफ्ट था एंड 2 बजे मैं तैयार होके और डायलॉग याद करके एंड आई वॉज जस्ट कब शॉट दू. गेस व्हाट टाइम ही केम, 8 o'clock. अच्छा, 8 o'clock इन द इवनिंग. तो उस वक्त आई, मैं बंगाली ऑल्सो ना, तो आए तो जो भी मुंह में आया आए, गुलजार साहब, अच्छा बस करो रिंकू, बस करो रिंकू, नहीं बस करो क्या मतलब. तो मैं तो वो शूटिंग चलता रहा. आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम फरार में भी, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम. शाम को भी मैं बातचीत बिल्कुल बंद, काम कर रहे थे. देन आई वेंट एंड सॉ आंधी और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म. तो फिर सुबह ही वॉज ड्रेसिंग रूम नेक्स्ट टू मी, फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आई सेड, हरी भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर, सो आई विल शेक हैंड्स विथ यू. एंड मैंने माफ़ कर दिया, मगर आप बातचीत करेंगे, मगर अगर आप देर से आ रहे हो तो मुझे ज़रा बता दो. मैं ना इतना बदतमीजी मत करो मेरे से. तो फिर वी बिकेम फ्रेंड्स. सो He was a lovely, lovely person. इतनी जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए. मुरन भैया, एक आप पीछे गाना बता रहे थे ना कि मुझे शर्मिला जी के लिए गाएंगे एक. हाँ, वो गाना मैं इसलिए बोल रहा था आपको जी, क्योंकि एक बार शर्मिला जी ने मुझे डांट दिया था, क्योंकि पता नहीं सबकॉन्शियसली मैं जैसे ही जाता था सेट पे, तो शॉट वगैरह सब लाइटिंग चल रही है और पीछे से गाओ. पर क्या फिल्म है और क्या गाना है यार, वाह, ब्यूटीफुल. मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरे पिताजी भी ना जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिल्मों का जो शौक पड़ा, मेरे पिताजी का ना पूरा विकिपीडिया होता था, मतलब आपकी फिल्म आई है, कोई फिल्म का डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और कौन से साल में रिलीज हुई. मतलब हमारे अमृतसर के अनु कपूर मेरे पिताजी थे जैसे उनका. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर्स. जोरदार तालियां हो जाए इस सुपर टैलेंटेड टीम के लिए. प्लीज विराजमान हो जाइए. सूरज ब्रो, आपने मनोज जी के बेटे का रोल किया है जी, और आपने इतना खूबसूरत करेक्टर किया, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए. इसके पहले मैंने आपको, बड़े ही कमाल के एक्टर हैं, लाइफ ऑफ पाई में भी मैंने आपका काम देखा, बड़ा ही खूबसूरत. और अच्छा, ये इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग और इनकी किस्मत भी देखी है, इन्होंने शुरुआत की हॉलीवुड फिल्मों से और टीवी पे आए तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब. ओह,
पर आपने सच्ची वो जो एक बेटा होता ना जिसको बाप पे वैसे ही खुन्नस होती, पता नहीं क्यों इतना खूबसूरत किरदार किया। अच्छा लाइफ ऑफ पाई जब आप कर रहे थे शेर के साथ आपने शूटिंग की, तो आपको डर नहीं लगा कि बीच में शेर का अगर स्नैक्स खाने का कुछ मन हुआ तो फिल्म अधूरी ना रह जाए? आपके मन में डर नहीं आया? नहीं सर, वो क्या था ना, मैं बहुत पतला था। अच्छा जी, तो मैं कहाँ स्नैक्स ज्यादा है, उससे ज्यादा कुछ मिल जाएगा लोग आए आस पास। तब बहुत ही खूबसूरत काम किया। थैंक यू वेरी मच। आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, आदाब, 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 आदाब जनाब, आदाब, आदाब। मेरी तरफ से भी सभी लोगों को हाय 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 हाय। नहीं 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 नहीं, इतनी तेजी से नहीं, तुम्हारी हाय कहीं किसी को लग ना जाए। ऐसे नहीं होता है, तसल्ली से करो, तसल्ली से। ओके ओके सर। हाय शर्मिला जी, हाय सिमरन जी, हाय शर्मिला जी। नहीं नहीं नहीं, इनको मैंने कर दिया, लेडीज को मैं कवर कर चुका हूँ, तुम जेंट्स को कवर। शर्मिला ये सॉरी, ये ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब हैं ये बहरूपी हैं, थोड़े घुस आते हैं। नहीं बहरूपी मतलब डुप्लीकेट हैं हम। डुप्लीकेट हैं आप और क्या? डुप्लीकेट से क्या मतलब है भाई आपका, हमारी क्या बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है? मैं तो आज यहाँ पर आया हूँ शर्मिला जी के लिए। शर्मिला जी जी, आ गले लग जा। पूरी बात सुनो भाई, आ गले लग जा, बड़ी अच्छी फिल्म थी आपकी, ये कह रहा हूँ मैं। ओह आई एम रियली सॉरी। लेकिन शर्मिला जी आई लाइक यू। ये कौन सी फिल्म? ये फिल्म नहीं है, ये फीलिंग है। I like you very much. Thank you so much. मतलब आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं I'm sure सभी everybody likes you. मतलब जी, मैंने देखा भाई Family Man में आपने काफी कुछ ऐसे बड़े बड़ी प्यार भरी दिल को छूने वाली गालियां दी हैं। Oh, yes, yes. दिल को छूने वाली गालियां। उनमें से ज़रा दो गालियां आप मुझे दे सकते हैं? Dad, एक सेकंड। खुद के लिए गाली कौन मानता है? नहीं मैं अपने लिए मांगूंगा, लेके तुम्हें दूंगा। वो टीवी में अलाउ करेंगे क्या? वैसे नहीं करेंगे ना, नहीं, नहीं दिखा सकते। गाली मत दीजिए। नहीं, 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 नहीं। शर्मिला जी बैठी हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए अमूमन ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, मैं खुद ही बहुत शर्मिला हूँ। मैं बहुत शर्मिला हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कभी कभी जब टीवी देखता हूँ, टीवी पे किसिंग सीन आता है, मैं बंद कर देता हूँ टीवी। नहीं नहीं खिड़की। नहीं मेरी बात क्या है कि इस उम्र में देखना, इसमें कोई बुराई नहीं है, देखते हुए पकड़े जाना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। शर्मिला जी आपको याद है 80s में जब हम पैटीज खाया करते थे साथ में? What? 90s में जब मसाला टीज दिया करते थे हम? एक सेकंड, ये सब मुझे क्यों नहीं पता? नहीं नहीं भाई, उन दिनों की बात है जब मुंबई नया नया बन रहा था, तब क्या हुआ ना, मछलियों और इंसानों के बीच में एक मीटिंग हुई। हाँ। भाई डिसाइड करना था कि पानी में कौन रहेगा और फ्लैटों में कौन रहेगा। मैंने मछलियों को समझाया कि देखो भाई, तुम पानी में रहो, फ्लैटों में आओगे तो ज्यादा देर जी नहीं पाओगे। वो दिन है और आज का दिन है, आज भी मछली जब फ्लैट में आती है सीधा कढ़ाई में जाती है। मतलब कितनी फालतू बात की आपने। बरकुलदार मैं खुद शॉक्ड हूं कि मेरी फालतूता को पकड़ने में आपने काफी टाइम लगा दिया। मुझे तो उम्मीद थी कि आप काफी पहले बीच में आ जाओगे, लेकिन आपने एंड तक मेरी बकवास सुनी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली उसके पीछे एक रीजन है डैड। क्या? आजकल उनका ध्यान हम पर कम, फिल्मों में ज्यादा है। उनकी फिल्म आ रही है ज्विगैटो। ज्विगैटो, वही ज्विगैटो। कसम से इट्स रियली अमेजिंग। हो गया, बड़ा अच्छा हुआ है। मेरे ड्राइवर का बेटा तो कह रहा था कि वो एक ही दिन में 4 बार देख लेगा फिल्म। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा फैन है? नहीं, वो सिनेमा हॉल में काम करता है। वो वहां पर लोगों को टार्च दिखा के सीटें बताता है। दो में से एक गाली अभी दे दो ना यार। बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कीप ग्रोइंग, कीप। थैंक यू ब्रो। ग्रो ग्रो, वेरी गुड ग्रो। बट ग्रोइंग का जब बात आती है तो मनोज वाजपेयी जी, ओह माय गॉड, ओह यस, ओह यस। भाई मैं बता रहा हूँ, टीवी पे देखो मनोज वाजपेयी, ओटीटी देखो मनोज वाजपेयी, फिल्में देखो मनोज वाजपेयी। भाई मुझे तो डर है कि किसी के सुहागराज में कोई ऐसे घूंघट उठाए उसमें भी मनोज वाजपेयी। वहां देखिए सूरज जी बैठे हुए हैं। सूरज जी हाउ आर यू? फ्रॉम हॉलीवुड। हॉलीवुड, या या। इन्होंने लाइफ ऑफ पाई में काम किया था। हाँ, हाँ। मैं भी आपके लाइफ ऑफ पाई लगू। बट एक छोटा सा थॉट, आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर लाइफ ऑफ पाई में मनोज जी होते तो फिल्म का नाम क्या होता? क्या होता? लाइफ ऑफ वाजपेयी।
सुनील जी, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं यार, आप जो नाव में थे, मतलब नॉट नाव लॉन्ग अगो बट नाव इन हिंदी नाव, बोट बोट यू नो बोट में आपके इतना पास शेर था, पर आप डरे नहीं, यू सर्वाइव्ड वेरी गुड यार। लेकिन मैं आपको सच बताऊं आप लोगों को, अभी कुछ दिनों पहले मैं भी एक बोट में था और मेरे पास 10 शेर थे। माय गॉड डैड, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने एक एक करके सारे सुना दिए। डैड इनफ यार, मुझे भी कुछ मौका दीजिए। अरे बड़ा टैलेंटेड है मेरा लड़का। ओह यस, बड़ा टैलेंटेड है, अपना टैलेंट दिखाएगा, टैलेंट दिखाना। डैड मैं ऐसा क्या करूं दैट दे विल बी इंप्रेस्ड? तुम लतीफा सुनाओ, लतीफा। व्हाट इज दैट? अरे बस अच्छे सुनाता है ये, चटुकले नहीं होते, चटुकले चटुकले चटुकले। इसके पास बड़े अच्छे चटुकले मैम, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। एक चटुकला सुना दे। दिस वन इज हिलेरियस, बहुत मजा आएगा। एक बार क्या होता है, एवरीबॉडी लिसन टू मी, एक बार एक हाथी होता है, वो चींटी को प्रपोज करता है, तो चींटी मना कर देती है, कहती है ये शादी नहीं हो सकती, मैं इंटरसाइज मैरिज के खिलाफ है मेरा परिवार। इंटरसाइज मैरिज, इंटरकास्ट नहीं, इंटरसाइज। हाथी चींटी, बड़ा अच्छा सुना तुम, खुद ही सुना दी। डैड This was my moment. मैंने सुना दिया, मैं sorry यार, sorry. Please. गलती से flow में निकल गया। इसके पास और बहुत सारे चटुकले हैं। Yes. एक और. This one is hilarious. एक चौक पे चार चीटियाँ बैठी होती हैं। सामने से एक हाथी पास होता है। उसमें से एक चीटी कहती है, ओए कुश्ती करेगा? और बाकी की चीटियाँ कहती है, रहने दे इसको बहन, ये बेचारा अकेला है। अरे यार, ये भी मैंने सुना दिया क्या? नहीं, ये तो मैंने सुनाया। सॉरी गलती से मैं क्या फ्लो में निकल, सारे मुझे क्यों सुना रखे हैं तूने, मुझे याद हो गए हैं सारे। यू स्टे आउट ऑफ दिस। मैं आई एम नॉट गोइंग टू से, प्लीज कॉम्प्रोमाइज दैट, ये कॉम्प्रोमाइज दिस कोनी कट प्लीज। ये सुनाएगा पूरा चुटकुला सुनाएगा। दिस वन इज अमेजिंग। तो एक बार एक हाथी जो है स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, सामने से चींटी आती है, उसे कहती है, ओए हाथी बाहर निकल, बाहर निकल, मुझे देखना मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पूरे तो नहीं। चींटी का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अरे सॉरी बेटा, नहीं देख मैं सॉरी, सुना ले नहीं बेटा, सुना नहीं, सॉरी सुना दे कोई नहीं बेटा, सुनिए एक मिनट सुनाएगा बेटा, सुन तो यार। वेरी गुड जी, यू नीड एनर्जी, वेरी गुड। सिमरन, जब मैंने पहली फिल्म आपकी तेरे मेरे सपने, आई थिंक वो आपकी पहली फिल्म थी। हाँ जी। उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की, मैं कसम से कह रहा हूँ, जब मैंने गुलमोहर में आपको देखा ना, मुझे थोड़ा टाइम लगा रजिस्टर करने में कि आप, बिकॉज यू वर सो मच इनटू योर करेक्टर, कि इतना ब्यूटीफुली आपने किया, इतना ब्यूटीफुली आपने किरदार किया, पहले तो बधाई उस बात के लिए। जब आप देखेंगे इस फिल्म को, आपको लगेगा नहीं कि इनमें कोई एक्टर है, ऑफकोर्स आप सबको जानते हैं, पॉपुलर हैं, पर आपको लगेगा कि सच में ये एक फैमिली है। Wow. जिसकी उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ इतना ब्यूटीफुली इन्होंने किया है। वैसे सिमरन के मम्मी पापा पंजाब से हैं, पैदा ये मुंबई में हुई हैं, फिल्में इन्होंने साउथ में बहुत करी हैं, तो ये फिल्म आपने मुझसे मिलने के लिए की क्या? गुलमोहर मैंने फैमिली के लिए की, और आमा यानक तमिल रुम्ब नला तेरी उंगली तेरी माँ तमिल। हाँ जी, तमिल तेरी माँ केक रहे। वाओ, क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे तमिल बहुत अच्छी आती है, क्या आपको तमिल आती है? बिल्कुल नहीं। ओ, हमने हिंदी बड़ी मुश्किल से सीखी है। आपने ये सही कहा कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और पंजाबी मेरी मदर टंग है, बट मैंने 25 साल से साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गुलमोहर राहुल, और वन ऑफ द फैक्टर गुलमोहर करने का फैमिली स्टोरी के अलावा मैम भी थे, और इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ में यू नो यू हैव टू शेयर द स्क्रीन, सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और आपसे मिलना जरूरी था, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। इट वाज मेंट टू बी, या इट वाज मेंट टू बी। अच्छा, इनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने को कितने साल हो गए सिमरन? 96 में रिलीज हुई थी। यस, वाओ, 26 साल के आसपास हो गए। 26 साल हो गए, उस समय भी आप ऐसी ही थी, आज भी आप ऐसी हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट है। सीरियसली, मतलब इतनी फिट हैं। आपको पता, सूरज मुझे पीछे बोल रहा था
कह रहा था कि जब मैं सेट पे पहुंचा मुझे लगा मेरी हीरोइन है। तो बाद में जब इनको बताया गया कि ये आपकी माँ का रोल कर रही, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ ये। तो सूरज उस समय डूब गया। आई मीन हाउ आर यू सो गुड कपिल, आई मीन कैसे आप रियली सीरियसली हम तीनों बैठ के पीछे आपको देख रहे हैं, आपको मैम को सर को, आई मीन इतने रजे हुए। मुझे आपको ये बोलना जरूरी है कि आई मीन इतने सारे लोग आपके फैन हैं, हाउ डू यू डू दिस? मुझे पता नहीं सिमरन, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं जिन जिन का फैन रहा हूँ मेरे शो पे मेरी सबसे मुलाकात हो रही। फॉर एग्जाम्पल आज शर्मिला मैम से पहली बार मैं मिल रहा हूँ, सो ये ऊपर वाले का कर्म है, और क्या कह सकते हैं मनोज भैया। तो ये And ma'am, I have been watching you for so many years. Yeah. You are so pretty. Thank you. And you're so vibrant. Thank you. You know, from the costumes, what you wear, the way you speak. I mean, the response in humor. I mean, it's marvelous. ये सब कटवा देगा। ये जो बोला ना, ये कटवा देगा। कोई बात नहीं, मैं अपने दिल की बात को बोल रही हूँ। तो please रख लेना ये भी यार। Entire team. हम पीछे बैठे थे, we were just amazed. We were stunned. लोग कैसे करते हैं यार ये? तो अगली फिल्म में मेरा कोई चांस है? राहुल के चेहरे पे मत जाइएगा, इतनी मजेदार फिल्म बनाई है। आजकल की डेट में ना लोग क्या करते हैं, फिल्मों में मसाला डाल दो ये वो, आपने इतनी फैमिली वैल्यूज को इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया। कैसे आया आइडिया राहुल आपके मन में? ये एक्चुअली मेरी बीवी ने मुझे एक दिन चैलेंज किया था कि तुम एक फैमिली फिल्म लिखो, क्योंकि फैमिली फिल्म ही चलती है और तुम लिख नहीं पाओगे। और फिर मैंने कहा कि मैं फैमिली फिल्म लिख के दिखाता हूँ आपको। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट जोक्स अबाउट आई वाज आल्सो बिकमिंग अ फादर, और जस्ट दिस होल आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग कि घर के मायने क्या होते हैं और फैमिली के मायने क्या होते हैं, उधर से शुरुआत हुई। और फिर मेरी जो को राइटर है अर्पिता और मैं, लिखते गए पहले हमने सब कैरेक्टर्स लिखा। अच्छा जी। तो हम चाहते थे कि एक मैट्रियार्क हो, हम चाहते थे कि उसके बच्चे हो और फिर उनके बच्चे हो, दोस थ्री जनरेशंस एंड एक्सप्लोरिंग द थ्री जनरेशंस का कैरेक्टर्स। That was the inception of the story. पर मुबारक को ब्रदर, बहुत बहुत ही कमाल किया आपने। अच्छा, आपके साथ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, सीनियर एक्टर्स, बा कमाल एक्टर जी, आप इनको कभी बोल पाते थे कि रीटेक लेना है, या इन्हीं से पूछते थे कि आपको क्या लगता है एक ले ले? कैसे कैसे करते थे आप? मुझे भी मनोज भैया बता रहे थे कि जैसे शर्मिला मैम सेट से एग्जिट लेती थी, आप सांस लेते थे कि अच्छा शर्मिला मैम नहीं है, खुल जाते थे आप। हम तीनों गाना शुरू कर देते हैं, गाना चलता था फिर। अच्छा मनोज भाई, हमारे शो पे बहुत बार आए हैं, हमारा सौभाग्य है ये, लेकिन आज आपकी आंखों में जो चमक है ना, जो ट्रू फैन वाली फीलिंग शर्मिला जी के लिए, वो दिख रही है। जी वो तो है, लेकिन साथ साथ मेरी आंखों में ये जो है ना, मेरे पिताजी की आंखें जो है ना, वो चमक रही है। अच्छा कपिल सही कह रहा था कि हम लोग शूल फिल्म की शूटिंग करने गए थे मेरे होम टाउन। मेरे फादर ने कहा कि यार जरा, अब मेरे फादर जो थे फिल्में देखने के बड़े शौकीन, तो उन्होंने कहा यार मनोज ये मुझे जरा रवीना से मिलना है। अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप कहाँ आएंगे, इतनी भीड़ है वहाँ पे, और बिना मतलब जो है मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। अब वहाँ पे काम करेगा आदमी कि मैं मिलाऊंगी मेरे बाबूजी हैं, आप मिलिए उनसे, आप रहने दीजिएगा। तो मैं निकल रहा था, अचानक से मुझे लगा कि ये जो है आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप बाबूजी आप आइएगा। अच्छा है ना, उन्होंने कहा अरे हमको क्या लेना देना है भाई, हम अब यही काम रह गया है क्या, तुम बोल दिए नहीं आना है तो नहीं आना है भाई। अच्छा। एंड मैं चला गया, इतने हजारों लोग खड़े हैं, शूटिंग चल रही है और क्राउड कंट्रोल चल रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं। अचानक से जो है मेरी नजर गई तो देखा एक दो लोगों के पीछे एक आदमी खड़ा है, ठीक मुझसे मिलता जुलता। और मैंने कहा अरे तो बाबूजी है, अपने स्टाफ के साथ गया, मैंने कहा क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं, तुम अपना करो ना। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते और उनको ये पता चल जाता कि आज कपिल शर्मा शो पे शर्मिला जी आने वाली हैं, वो यहाँ पर भी आ जाते हैं, तो ये ऑडियंस के पीछे जो कैमरे के बगल में खड़े हो जाते। देख रहे हैं कहीं ना कहीं से वो नहीं, भी क्योंकि आप जब गाना गा रहे थे मैं ये देखते हुए मैं सिर्फ अपने पिताजी को याद कर रहा था। क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकल के जाता अपने वैन में और आते और ये गाना गुनगुनाते कपिलवा कितना बढ़िया गाता है। कपिलवा कपिलवा मैम, जो स्टारडम आपने देखा है वो आजकल तो रह ही नहीं गया, ना ही कोई शायद देखेगा ऐसा स्टारडम। जी जी जी, जैसे हमें आजकल ना सोशल मीडिया से पता चलता है
कि कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया क्या, जब आपकी फिल्म आती थी मैम आपको कैसे एहसास होता था कि हिट हो गई है ये इतनी बड़ी? वही ना, उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था, देयर वाज नो टीवी, टीवी 80s में, और जो भी फिल्मों में काम करते थे उनके साथ मुलाकात का कोई चांस ही नहीं था. प्रीमियर के वक्त जब एक्टर्स सब आते थे अपने फिल्म देखने के लिए, उस वक्त क्यों लग जाते थे, देन दैट्स द टाइम दे सॉ यू, यू नो, या तो कोई फिल्म फंक्शन में या कोई चैरिटी जो हम करते थे, कभी फंड रेजर्स होते थे. देयर वाज नो कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस, है ना, तो इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, तो दे लाइक्ड अस वेरी मच. मिस्ट्री भी बनी रहती थी, स्टार भी बना रहता था ना. आजकल तो बहुत सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज आउट देयर, यू व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, सब कुछ है ना सोशल मीडिया में. तो मैं तो नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो मैं ज्यादा नहीं मालूम, मगर माय ग्रैंडडॉटर टेल्स मी दैट इफ यू आर नॉट इन सोशल मीडिया देन यू डोंट एग्जिस्ट. डोंट एग्जिस्ट, नो यू डोंट एग्जिस्ट. अफवाहें कैसी कैसी, हमारे अमृतसर में अफवाह थी कि शर्मिला टैगोर पानी पीती नहीं, अनार का ही जूस पीती हैं. वही तो, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब यकीन करेंगे. अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह मैम आपने क्या, अजीब सी अफवाह क्या सुनी है? एक शख्स आए फिर बोले बने आपकी वो जो वेडिंग पेरिस में हुई थी, हम गए थे वहाँ पे, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, ये फलाना चीज हुआ था, फलाना चीज हुआ था, तो यू नो साइसिर अच्छा फिर, हाँ बस वेरी गुड. और क्या बोलते हैं, देयर इज अ वंडरफुल इंसिडेंट, यू नो आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क. अच्छा जी. और मैं घर जाके मेकअप उतारती थी, क्योंकि पैकअप के बाद मैं भागती थी गाड़ी की तरफ और जल्दी से निकल जाती थी. तो मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठी थी, तो एक रेड लाइट में हम खड़े हो गए थे एंड अचानक वो लाइट चेंज हो गया. अच्छा जी. और ग्रीन हो गया, तो गाड़ी चल पड़ी और हमारे सामने एक स्कूटर, वो सडनली राइट को आ गए. अच्छा जी. तो वी हिट द स्कूटर और सामने का वो जो रोड था हम पार करके उस तरफ चले गए. एंड आई एम टेलिंग द ड्राइवर स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार. और पीछे मुड़ के मैंने देखा तो द स्कूटर गाय वो खड़े हो गए. तो मैंने कहा जब चलो चोट नहीं लगी, एंड ही वाज रनिंग मेरे तरफ भाग के आ रहे थे और उसके पीछे लॉट्स ऑफ पीपल वर रनिंग बिहाइंड हिम. तो जब ही केम टू मी वेरी एंग्री और मुझे देखा ऐसे, मैम आप है जल्दी जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए, ड्राइवर चलो चलो, ऐसे फिर एक नंबर दे दो, कुछ करो, आई मीन यू नो, आर यू ऑल राइट, कैन आई टेक यू टू द हॉस्पिटल, जल्दी भागिए आपको. ही जस्ट पुश्ड मी अवे एंड देयर वाज नो वे आई कुड थैंक हिम बिकॉज पीपल वर गैदरिंग. आई मीन हाउ कैन आई थैंक हिम, मे बी ही विल सी योर शो एंड मे बी ही विल नो दैट, यू नो, हु नोज. सो आई वांट टू से दिस दैट सच वंडरफुल पीपल, यू नो. सिमरन, आप इस फिल्म से पहले कभी शर्मिला जी से मिली थी आप? नहीं, मैंने मैम की फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग पे बैठे थे फिल्म के लिए, और जब मैंने शूटिंग पे फर्स्ट डे मैम के साथ में शूट पे गई, मैम अपने डायलॉग्स बोल रही हैं और मेरा डायलॉग बाद में, और मैं भूल गई, फिर मुझे अपने आप को हिलाना पड़ा. शी इज सो टेरिफिक इन गुलमोहर, शी इज, यू मस्ट सी हर, शी इज जस्ट वंडरफुल. And now we've become great friends, right? Yes, yeah. Ma'am. Thank you. मैं एक डायलॉग पे सिमरन इतना हंसा, जब आप मनोज सर वो चले जाते ना होटल में, तब बोले तुम फोन क्यों नहीं कर रहे थे, और ये बोलते मेरा फोन स्विच ऑफ था. वो एक बीवी वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो राइटर्स का भी कमाल है कि 70% तुम्हारी बैटरी होती तब भी तुम चार्जिंग पे लगा रहे हो, तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? 70% बैटरी पे भी तुम अपना फोन चार्ज पे लगा रहे हो. और मेरे पीछे पे जब दोनों अकेले होते थे तो मेरे बाद में भी बात करते थे ना, मदर इन लॉ ऐसी है और मदर इन लॉ ऐसा है. नहीं नहीं नहीं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था कि अभी तुम्हारी माँ की बनेगी, दिस होली शुड बी वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल. वो एक बार प्लीज बोल के दिखा दीजिए थोड़ा सा. मैं रेडी हूँ बताने के लिए, एक तो आपका शो और ऊपर से मैम का डायलॉग. और थैंक यू राहुल फॉर दिस डायलॉग. और फिर जब शर्मिला जी आके सच्ची में वो डायलॉग बोलती थी और हंसी आई थी. इस साल की होली should be very special. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये गुलमोहर में जितने भी आपने ये किरदार देखेंगे, अपने अपने किरदार में तो पूरे रमे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक और सिमरन की खासियत बताना चाहता हूं, ये सालसा बहुत, भरतनाट्यम और सालसा मैंने सुना बहुत अच्छा करती हैं. और पीछे मनोज भैया बोल रहे थे मेरा एक सालसा करवा देना सिमरन के साथ. Ladies and gentlemen, please welcome
the most biggest sensation of Hollywood, Mr. Deep. ओए होए, पहले तो फिल्म सिटी में तेंदुए निकलते थे, अब स्टेज पे भी आने लग गए. राजू तू यार, मैं इतना गेटअप लेके आया, इतनी मैंने इंग्लिश बोल ली है, तूने मुझे फिर पकड़ लिया. तू पकड़ा इसलिए गया, ये जो तूने पंजाबी में इंग्लिश बोली है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या होता है? क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहा है तू? यार तुम्हारी फिल्म आ रही है ना, तो जाके उसकी प्रमोशन करो, जैसे कर रहे थे कभी बुसान, कभी टोरंटो, कभी एलए. एलए तो मैं गया ही नहीं. तो जाओ, तुम्हें पता लगे हॉलीवुड क्या चीज है. तुम्हें पता लगे हॉलीवुड का सुपरस्टार जैक्स कौन है. कुछ नहीं, उस दिन किसी ने 100 रुपया दिया, तोता बन के पर्चियां उठा रहा था. सर आप इसको 250 रुपया दो, मेरे साथ जोशी बन के बैठता है सड़क. मैंने कहा भी था कि इम्प्रोवाइज ज्यादा नहीं करना मैम. सर मैं बताऊं, ये पूछता नहीं है मैं क्यों बन के आया हूं. सर पंजाबी में ना एक फिल्म का रीमेक बन रहा है. हाँ, पंजाब वालों को पता चल गया ना अगर कहीं कि तू ये कर रहा है. हाँ. तो सरसों के खेत छोड़ के गन्ने की खेती करेंगे और वही उठा के तेरा जूस निकालेंगे वो. पिटेगा तू, ये जो अजीब अजीब काम करता है ना तू. यस यस, बिकॉज आई एम जूसी गाय. जूसी नहीं, तू मायूसी का सिंबल है तू. यस यस, आई एम वेरी जूसी. ये शर्मिला जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है. हाँ. बेचारा इनबिल्ट मनहूस है ये. आप ये किसी की शादी में गया तो लड़की विदाई के टाइम पर रोती ना, तो इसकी शक्ल देख के वो एंट्री पे रोने लग गई. कहती मैं अपना जी, वो इसलिए मेरी एंट्री पे रो रही थी बिकॉज आई एम हिज एक्स. ओ हिज हिज नहीं, हर ही रोस्टेड. ये मेरी एक्चुअली वैल्यू नहीं करता, आप करेंगे. हाँ बिल्कुल, वाकई ये करेंगे वैल्यू. नहीं तो इसके डैडी ने भी नहीं इसकी वैल्यू की, जैसे 18 साल का हुआ उन्होंने 2200 रुपए में बेच दिया इसको. और खरीदा इसने था. 2200 का खरीद के आज करोड़ों का शो मेरे दम पे चला रहा है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. डायरेक्टर साहब, सर यू हैव सीन माई लुक, आई हैव स्टोरी फॉर यू. ओके सर, सुबह सुबह हीरो उठता है और ये उसके लिए चाय बनाता है. अबे मैं हीरो हूँ. हाँ तो हीरो सुबह सुबह उठता है. हाँ. मालिक के लिए चाय बनाता है. अबे हीरो भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ. कुछ भी कर, चाय तुझे बनानी, मेरे को नहीं पता. तू जो मर्जी कर. देखो वो बहुत बिजी लोग हैं, उनको नहीं तेरी कहानी सुननी प्लीज. यार तुम्हारे पास तुम्हारी डायरेक्टर है ना, वो नंदिता दास, उनका नंबर है. हाँ क्यों, क्या मुझे दो, मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने तुम्हें स्टोरी कैसे सुनाई होगी. हर लाइन पे काटता बंदा. मनोज सर, ही वेरी जेलस ऑफ मी. आपने बताया ना कॉलेज का फ्रेंड है, तो कॉलेज में ना सारे अवार्ड एक्चुअली मुझे मिलते थे. हाँ, फिर ये सब पे कपड़ा मारता था साफ करके, फिर जिसका बनता था उसको देते थे. ये जेलस. एक मिनट यार, तू रुक जरा, कानों के लिए फ्रेंडली नहीं है. एक मिनट, हेलो, किसको फोन? यार 3 नान 3 बटर नान 3 दाल मखनी कर दो. भाई साहब मैंने ऑर्डर कर दिया, अपने जिगवेटो वाले कपड़े पहनो और डिलीवरी करो. चलो चलो चलो, इससे पहले कि मेरी दाल मखनी ठंडी हो जाए प्लीज. दाल मखनी 20 साल से तुम्हारे घर में दाल पकनी बंद हो चुकी है. तू दाल मखनी, ये इतना आलसी है शर्मिला मैम, ना काम करके खुशी नहीं है. ये तो आ जाता है जीव जी कपड़े पहन के. उसने चिड़िया को पानी डाला, चिड़िया आगे इसको दाना देगी, कहती खा लो. तुम तो काम करते नहीं हो. ये है दोस्त के शो में नुकसान काम करने का, हल्के में लेता है ना. मनोज सर कॉलेज में ना जितनी भी लड़कियां होती थी मुझ पर मरती थी. शादी तेरी जितनी मुश्किल से हुई मेरे को पता है. ये लड़की देखने गए तो इसके पिता कहते गुण कितने मिल रहे हैं, कहते जी गुण का तो पता नहीं, हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है. ये काम किया इस बंदे ने. और जनाब अपना बताइए, जब ये लड़की देखने गए ना तो कहता मुझे लड़की से ना अकेले में बात करनी है. कमरे में ले गया, उसके बाल नोच रहे ऐसे करके. कहती क्या कर रहे हो? कहता मैं चेक कर रहा हूँ ओरिजिनल है कि इसे भी किसी कपिल शर्मा ने असेंबल किया है. ये लड़की देखने गया ना तो इसके जूते में मिट्टी लगी हुई थी. कहता जी मेरे जूते गंदे में बाहर उतार दूं. इसकी सास कहती बेटा वैसे तो फिर मुंह भी बाहर उतार के आना पड़ेगा. चलो बस हो गया सर, मैं बाहर मिलता हूँ, ये मुझे वरना बोलने नहीं देता है. अच्छा आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वगैरह कभी कभी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, मैम आप तो है नहीं सोशल मीडिया पे, पर नीचे ना लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं. अच्छा. मैं कुछ पिक्चर्स निकाल ली हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा. हाँ, प्लीज दिखाइए. मनोज भैया ने फोटो डाला है, साथ में अनुभव सर हैं, एंड अ वेरी एक्साइटिंग कोलैबोरेशन आफ्टर 25 इयर्स विद अ फ्रेंड हुम आई नो राइट फ्रॉम माय थिएटर डेज. आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स. पीछे रेलगाड़ी है.
अनुभव सर मनोज सर को रिजर्वेशन चार्ट दिखा रहे हैं, भाई मैंने तेरा सेकंड एसी में ही करवाया था, जनरल में कैसे आ गया पता नहीं। रेलवे भर्ती एग्जाम से 5 मिनट पहले रट्टा मारते हुए 2 विद्यार्थी। लगता है अनुभव सर ने स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखी थी, अब उन्हें खुद को अपनी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही। और दिखाइए। शूट पे इनको एक लव लेटर मिला है, अब दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके लिए है। नेक्स्ट। अच्छा ये सोहा ने डाला है फोटो। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस माय मम पिक्ड मी अप फ्रॉम स्कूल। सो स्वीट। बैक टू स्कूल। ये कहाँ का फोटो मैम? ये जब इनायक स्कूल है। अच्छा। इनायक, हम दोनों गए थे इनायक को स्कूल से लेकर आने के लिए। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। आप तो अच्छी स्टूडेंट रही हैं इसलिए मम्मी लेने आती थी, मैं तो बदमाश था, प्रिंसिपल खुद घर छोड़ के जाता था। आप और आपकी मम्मी इतने अच्छे से बैठी हुई हैं, मैं अपनी माँ के साथ 2 मिनट भी बैठूं तो वो मेरी जुए निकालने लगती है। एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा, लगता है प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी कर दी, बोला होगा मैं अकेला शर्मिला जी को देखूंगा। और दिखाइए। सोहा मैम, जब से आपने शर्मिला जी की फोटो डाली है मेरे पापा भी डाई लगा के इंस्टा पे आ गए। और दिखाइए। सिमरन ने ये फोटो डाला है, वीकेंड्स आर ऑलवेज स्पेशल व्हेन यू आर विद योर लव्ड वंस। सिमरन जी ये कहाँ का फोटो है? ये चेन्नई में हम ट्रेकिंग गए थे। ओके। आउटस्कर्ट्स में, ये वहाँ का फोटो है। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। आप तो इतनी शांति से बैठे हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बैठता हूं तो 10 बार सींग दाना वाला आके परेशान करता है। सींग दाना वाला। मेरी वाइफ भी ट्रैकिंग 10 मिनट करती है और 20 फोटो खिंचाती है। अब तो आपकी शादी हो चुके, आपको पत्थर के पीछे बैठने की क्या जरूरत है? पत्थर के पीछे। That's a very good one. और दिखाइए। भाई साहब जरूर 6 दिन अपने काम में बिजी रहते होंगे इसलिए 7वें दिन बीवी के साथ अच्छा लग रहा है। मैं 7ों दिन बीवी के साथ रहता हूं, मैं कैसे खुश रहूं बताओ। अगली लाइन और मजेदार है। मैं कैसे खुश रहूं बताओ, हमारे यहां तो शराब भी बंद है। ओह। और दिखाइए। सूरज ने फोटो डाला है विद सो मच इंग्लिश, दे लेट योर बॉय इनटू द व्हाइट हाउस। क्या करने के थे आप सूरज वहाँ पे व्हाइट हाउस? सर वहाँ पे वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा। हाँ तो सारे सबको बुला दिया अंदर, बहुत अच्छा था वो। एक एक आदमी जाके दिवाली सेलिब्रेट करता है और कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं उस साइड में जाके फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये उस समय कौन थे यहाँ के प्रेसिडेंट? बाइडेन। बाइडेन घूमते फिरते दिखे आपको अंदर? नहीं वो थे, उनने स्पीच दी एकदम नाइस, बढ़िया एकदम, हिंदी के वर्ड यूज किए उनने। अच्छा वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ नहीं बहुत वेरी नाइस। मैंने देखा बाहर एक्चुअली फॉरन में जो हमारे इंडियंस लोग रहते हैं वो अपने त्योहारों को इतना शिद्दत से मनाते हैं ना, मे बी वो मिस भी करते हैं शायद। मिस करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत हाँ। होता है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बंदा लाइफ ऑफ पाई में था, पाई पाई जोड़ के व्हाइट हाउस पहुंच गया। भाई एक बात बताओ, ये अमेरिका इतना अमीर देश है तो अपने व्हाइट हाउस पे कोई अच्छा सा रंग क्यों नहीं करवा लेते? किसने रिप्लाई किया, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो इंस्टा छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा लोग आपस में भी लगे रहते हैं बीच में ना। और दिखाइए। ऐसे कपड़े अच्छे तो लगते हैं लेकिन बुफे में खाना खाओ तो दुपट्टा दही बड़े में गिर जाता है। एक्चुअली होता है ऐसे। और दिखाइए। लो जी डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है व्हेन इन रोम। व्हेन इन रोम। व्हेन इन रोम। डायरेक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं किसी की मोटरसाइकिल पे? इतने जहीन डायरेक्टर हैं आप, दूसरे की बाइक पे बैठ के आप, क्या था आपके मन में आया था उस समय? मैं भाग रहा हूं जैसे अभी मैं भागना चाहता हूं। He'd seen Shammi Kapoor showing his thighs, so he was inspired. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये वही लड़के हैं जो खुद कॉलेज कभी टाइम से नहीं जाते लेकिन गर्ल्स कॉलेज के बाहर छुट्टी से पहले ही खड़े हो जाते हैं। भैया वो शादीशुदा आदमी है ऐसे ना लिखे। मैंने भी जब अपनी महंगी बाइक सर्विस पे दी थी तो मैकेनिक 4 दिन तक उसको ऐसे ही घुमा रहा था। ऐसा होता है। और दिखाइए। मेरी गर्लफ्रेंड जब अंदर ऑर्डर लेने जाती है तो मैं भी ऐसे ही बाइक पे बैठे रहता हूँ ताकि पुलिस उठाकर ना ले जाए। तो भाई अपनी बाइक लेके जाओ, चुरा के क्यों लेके जाते हैं? और दिखाइए।
मनोज भैया ने फोटो डाला है, सूट अप शो अप एज प्रॉमिस्ड, हियर इज द अपडेटेड आफ्टर जोधपुर. ओके आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स. मनोज सर ने 1000 रुपए कम किए हैं इसलिए प्रोड्यूसर के कंधे पे हाथ रखा है. अगर प्रोड्यूसर ने 1000 रुपए ज्यादा दिए होते तो मनोज सर के कंधे पे हाथ रखते. ये क्या बात है. मनोज वाजपेयी दोनों को बताते हुए कि देखो वो तुम्हारी भाभी है. समझा रहे. नेक्स्ट और दिखाइए. मनोज सर को आज 2 लोग हाथ लगे हैं, अब ये इनको क्रेडिट कार्ड बेचेंगे. और दिखाइए. सोहा के अकाउंट से फिर हमने एक फोटो उठाया है. लाइक द पीस मैम के साथ दिखाइए नीचे कमेंट्स. शर्मिला जी आप तो शर्ट में इतनी अच्छी लग रही हैं, मेरी वाइफ ने शर्ट पहनी थी रंजीत लग रही थी. आपके बच्चे अच्छे हैं जो कागज पे पेंटिंग बनाई है, हमारा तो सोफे पे बना देता है. किसी ने रिप्लाई किया है आपका तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ऐसा है मेहमान बैठा हो उसकी पीठ पे बना देता है. और दिखाई. अच्छा शर्मिला जी कह रही हैं अच्छी पेंटिंग बनाई है पर बिटिया को बोलो थोड़ा और सीखे. सोहा मम्मी ये पेंटिंग मैंने बनाई है. शर्मिला जी तो बिटिया को बोलो तुम्हें और सिखाए. पेंटिंग से याद आया, अगर आपको पटौदी पैलेस की पुताई करानी हो तो मुझे कांटेक्ट करें, पैसे की बात सैफ भाई साहब से कर लेंगे. और दिखाइए. खत्म. बहुत मजेदार थे. कह रही इतनी खूबसूरत फिल्म है और ये सारे किरदार आज मौजूद हैं. प्लीज आप भी मंच पे आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आइए मैम. हेलो हेलो वेलकम वेलकम. हेलो हेलो वेलकम ब्यूटीफुल. गुलमोहर के सारे कास्ट यहाँ मौजूद है. सिर्फ एक रिग्रेट है कि अमल जी यहाँ नहीं है, अमल पालेकर जिनके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया. बिकॉज यू नो वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ एक्टिंग. अमल जी वी आर मिसिंग यू एंड आई विश यू वर हियर. यू मिस्ड सच अ लवली इवनिंग. शर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहली बार हमारे शो पे आई. और मनोज भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ. और तमाम कलाकारों के लिए खुल के तालियां होनी चाहिए.